के होमवर्क का डाउट एक्सरसाइज 3F का कुछ डाउट है, जो कि पहला 23 है। 23 में कुछ नहीं करना बाबू, ये सवाल कल हम लोग कर चुके थे, फिर भी एक बार और। ए क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब, आपको ये दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मेट है। तो एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या याद है? बिल्कुल, क्या होता था? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। इस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, एक्स के प्लेस पे किसे रखोगे? ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी और माइनस किसको रखोगे? हाँ, ए माइनस बी को। ये खत्म, बोलो कोई दिक्कत? इसके बाद क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स वाई मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। और उसके बाद वाई का स्क्वायर, वाई के प्लेस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ना, और ये ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इसे जब ओपन करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हमें लगता है होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है ये, ठीक है। और प्लस जब आप इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कोई दिक्कत? हमें लगता है ये उड़ जाएगा, उड़ा दिए। माइनस बी प्लस बी उड़ गया, और कुछ उड़ेगा नहीं, बस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टू बी इंटू ए ए और ए, मतलब थ्री ए स्क्वायर। और कुछ बचा क्या? और कुछ बचा ना, एक बी स्क्वायर बचा है, तो प्लस बी स्क्वायर, यही रहेगा आपका आंसर। समझ गए? नोट करेंगे क्या? नहीं ना, समझ गए ना, समझ पाए? चलो अगला डाउट है 29। नहीं, दर्शकों की फरमाइश पे अगला सवाल 29 नहीं, अच्छा दर्शक मतलब देखने वाले ना, और जो सुनने वाले होते हैं से क्या कहते हैं? श्रोताओं की फरमाइश पे। ये ऑल इंडिया रेडियो सर्विस है, श्रोताओं सुनने वाले लिसनर नहीं। तो अगला फरमाइश आपकी तरफ से आया है, ये फरमाइश आया है पूर्णिया के रहने वाले हैं, और नाम है रिमझिम। अच्छा रिमझिम, और इसे पसंद किया है रिमझिम के दोस्तों ने, ऐसे बोलते हैं रेडियो में ना, हाँ लोलू बोलू मोलू चिंटू नहीं बाबू राकेश और उसके गांव के सभी लोग, नहीं सबका नाम लिख के दे देता है रेडियो में, पता नहीं नाम, अपना नाम सुनने में टीवी और रेडियो पे सच में अच्छा लगता है। कभी सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? हमने सुना है। जी न्यूज में एक रिपोर्टर है लखनऊ के, जिसका नाम लोमस है, सच बता रहे तुम्हें, गांधी नहीं लगाता है वो, बस लोमस है। लखनऊ जी न्यूज में आता है कभी कभी रिपोर्टिंग, लखनऊ एरिया का, यूपी का। उसमें लखनऊ से हमारे संवाददाता लोमस जी जुड़े हैं, लोमस जुड़े हैं, कहिए लोमस। हम एक बार चौंक गए, लोमस? फिर उसके बाद हम उसको यूट्यूब पे सर्च किए जी न्यूज का वो वाला क्लिप, फिर देखे सच में उसका नाम लोमस था, स्पेलिंग भी हिंदी वाला सेम ही है, मेरे राम का स्पेलिंग ये है, उसका भी वही था नाम। नहीं, लोमस में ये भी होता है, तालबिसो वाला भी लोमस आता है, एस एच, जिसे मेरा नाम एल ओ एम ए एस है, और किसी का एल ओ एम ए एस एच होता है। स्पेलिंग नहीं, ठीक है, बढ़िया है, छः अच्छा नहीं रहता है, इवन है, ओड है, दो दो चार एक पाँच ना, नाम में ओड लेटर अच्छा होता है, ओड लेटर अच्छा होता है नाम के लिए, पांच लेटर का नाम जिसका है अच्छे लोग होते हैं वो। मैं सिक्स का भी चलेगा, सिक्स का ना है, सेवन नाइन जैसे गौरी पांच है, देखो
जिसके भी पांच लेटर के नाम होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, है ना। मन सोच रही होगी हम क्या करें, एम ए एन एन है कि एम ए एन है, एन एन दो बार एन ना, चार लेटर होगा, चलो फिर भी गरीब नहीं हो उतने। जिसका नाम एल यू वी लव हो तो नहीं, थ्री लेटर का। जिसका नाम दो लेटर का हो, दो लेटर का नाम आता है, किस कौन सा नाम, देखो सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे उसका नाम शॉर्ट में दो लेटर का है तब तो एल जी भी कह दो, लोमस गांधी, एल पी लोमस प्रकाश गांधी, ठीक है हो सकता था, जैसे जेपी का जय प्रकाश गांधी, मेरा भी हो सकता था लोमस प्रकाश गांधी ना, एल पी जी हो जाता, कमाल हो गया, वाह वाह वाह, एल पी जी हो जाता, वाह वाह वाह। तुम लोग तो देखो कितने क्रिएटिव हो तुम लोग, बताओ आइए सवाल कर ले, तुम लोग कुछ करोगे। 29 ए टू द पावर 12 माइनस बी टू द पावर 12, तो फिर पूछे का है, तो बढ़िया ही ना आपका आंसर छोटा है। देखो आंसर छोटा नहीं करना है, फैक्टराइज करना है, ये भी तो छोटा लग रहा है, क्या ये फैक्टर फॉर्म में है ना, तो फैक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, जितने मैक्सिमम बड़ा छोटा, देखो फैक्टराइजेशन में बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, फैक्टर जितने हो सके अवेलेबल वो सारे फैक्टर तुम्हें लिखने हैं, हो सकता है चार पांच, जैसे इसका 12 फैक्टर बनेगा, मतलब बन सकता है, नहीं उनमें से आप पांच छह लिखाएगा और मिक्स फॉर्म में होगा तो सच में इसका आंसर हो सकता है बड़ा हो। आइए इसे सॉल्व करें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, क्यूब कर दो, क्यूब वाला, देखो स्क्वायर वाला भी कर सकते हो, स्क्वायर वाला फिर क्यों ना बड़ा बड़ा फैक्टर में तोड़े, अगर आपको पावर 5 याद होता तो 5 भी कर देते, हमें क्यूब वाला तो याद है ना मैक्सिमम, तो क्यूब वाला करते हैं। ए टू द पावर 4 का क्यूब करिए माइनस बी टू द पावर 4 का क्यूब करिए, झुट्टे का तो सॉल्व करवाओ। चलो अब यहां पे बोलो फॉर्मूला कौन सा चलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब का, एक्स माइनस वाई, हाँ एक्स माइनस वाई समझ पा रहे, इंटू एक्स स्क्वायर ए पे पावर 8 प्लस ए 4b 4 प्लस बी पे पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका कुछ किया जा सकता है, बिल्कुल ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी कुछ कर सकते हैं क्या, हमें लगता है इसको अगर 2ab ab वाला कुछ जुगाड़ कर दे तो बनेगा कुछ क्या, प्लस 2ab माइनस 2ab कर दे, नहीं करें। अगर मान लो इसमें हम प्लस ए 4 और बी 4 को जोड़ दें और ए 4 बी 4 को घटा दें तो 2ab नहीं लगता है कुछ हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सेट नहीं होगा क्या, नहीं हो सकता है, है? करेंगे उसे, नहीं होगा है, कैसे ना होगा, हो सकता है, कर सकते हैं आराम से। इसको अगर हम ये लिखें समझो, ए 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो, प्लस बी 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए 4 बी 4 सुनना, प्लस ए 4 बी 4 और माइनस ए 4 बी 4 कर दें तो क्या दिक्कत, बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बुक में छोड़ दिया गया है आंसर। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 29 का आंसर कहाँ है, नहीं सॉल्व किया है कि, नहीं किया है सॉल्व किया, अच्छा छोड़ो एक और करो, सॉल्व किया है कि? सुनो सुनो, अच्छा इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, अब ए प्लस बी समझो इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत, अभी आप देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे कौन है, ए 4 प्लस बोलो बी 4 का होल स्क्वायर, बच क्या गया, माइनस ए 4 और बी 4 यहां बचाइए, अब क्या करें, इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ तो हम उसे भी सकते थे,
हाँ, तो इसको क्या करने दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होगा तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे ऐसे एज इट इज ऐसे छोड़ दे क्या? हाँ छोड़ सकते हैं, और क्या, ए फोर प्लस बी फोर का होल स्क्वायर माइनस ए फोर बी फोर, आंसर नहीं आया होगा आपका। अब देखो आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स और करने पड़ेंगे। कहाँ तक हम लोग पहुंचे आंसर में, आंसर में हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। अब आपका क्या बचा, ए बी ए बी ए बी, ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए बी फोर बी फोर कर सकते हैं। हाँ देखो आंसर कितना खूबसूरत है, मतलब आंसर सॉल्व करें इसे, इसे यहाँ तक तो हो गया, ये देखो ये वाला टर्म खत्म हो गया ना। अब देखो आगे करना क्या है, सुनो बाबू ध्यान से देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि करना क्या है, a माइनस बी इंटू, अब इसे देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना, a4 प्लस b4 का होल स्क्वायर देखना और माइनस, हाँ हाँ यही चीज तुम्हें पकड़ना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी इंटू माइनस बी बनेगा, तब समझ गए बोलो, बस इसे ही करना है तुम्हें, ये सब मिटा देना बोलो, वेरी गुड। तो यहां पे क्या करें, इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू ए फोर प्लस बी फोर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलेगा बस हो गया, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या आज दीक्षा नहीं आई है, आ गई क्या? हाँ है, तो इसको एडमिट कौन किया, अपने आप एडमिट हो गई है, इसको एडमिट हम तो नहीं किया, आज हम सोच लिए थे नहीं करेंगे, कैसे हो गया, आइए, क्योंकि आज बोली थी ना कि सर हम आ जाएंगे, आप आज ऐसे बोली थी ना, कल बोली थी ना, नहीं बोली थी, वही तो झूठ बोलती है, झूठी कही थी, आ जाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो ए प्लस बी इंटू माइनस बी यहां भी चलेगा, ए प्लस बी, ए समझो प्लस बी, बी के प्लेस पे बोलो चलेगा, हाँ हाँ फोर, और क्या होगा ए इंटू बी, हाँ क्या चलेगा, अरे बोलो तो सही, तुम लोग बोलते नहीं हो, इंटू हाँ ए फोर प्लस बी फोर, ये तो x के प्लेस पे ना, और माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, सही है, इसको हम लिखना चाहें तो फिर घुमा फिरा के वहीं लिख सकते हैं, जरा तुम्हें पता है नहीं पता है, क्या हो गया और टूटेगा, कहाँ टूटेगा, कैसे टू ए बी रहेगा तब ना, बात ये वाला, ओ ऐसे फिर पहले प्लस माइनस करके, इतना प्लस इतना माइनस करके, तो टू कहाँ है यहाँ पे, नहीं होगा इसको, ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, उसके बाद अरे वही तो हम भी बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जोड़ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ना होगा, इसको डूब मरो बिना पानी का, कैसा बच्चा सब है, ये सब इतना है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो तो, अरे ए पे पावर फोर है, सुनो 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 सुनो, बी पे पावर फोर है, इसको तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे, अच्छा ये तो ये होता है ए फोर प्लस बी फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ओपन करो तो ये आया क्या,
कैसे कैसे सोचते हो तुम लोग? इसको ऐसे लिखते हैं, वो नहीं, सुनो ये ऐसे नहीं लिखाएगा, पहले बोलो लिखाएगा कभी, ये ऐसे नहीं लिखाएगा ना। अगर तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना है तो इसे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए क्या? 2ab वाला मैटर चाहिए ना, तो 2ab वाला यहां पे आएगा, एक जोड़ के घटा दो आएगा, वो आएगा, वो आएगा तब बनेगा ये, और वो आता है तब ये इस फॉर्मेट में बनता है, समझे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन याद करने से कुछ नहीं होने वाला, फंसोगे। हाँ सॉल्यूशन याद कर लोगे तो फंसेगे, ऐसे नहीं होता बाबू। तुम टेक्निकली ऐसे खुद सोचो ना कि इसे जब रिजॉल्व करोगे तो ये ऐसा थोड़ी होता है। बोलो 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा, क्या वो 2 + 4 का होल स्क्वायर देगा तुम्हें? तुम ही बोलो तो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 16 कितना होगा? 20 हुआ। और बताओ 4 × 2 कितना होता है? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसको करें कैसे, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे सॉल्व करिए, ये और टूटेगा कैसे देखो जरा, ये दोनों टर्म टूटेगा, ठीक है? देखो यहां तक एज इट ही छोड़ देते हैं। अब तुम्हें हमें ये बताओ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे टूटता है, देखो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक हो जाता, काम बन जाता ना, 2ab वाला फॉर्मेट। हाँ तो ये करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करते हैं, ऐसे टूटता है बाबू, ऐसे बनता है ये, समझे? ये वाला टर्म बन गया, अब ये वाला टर्म बनाओ फिर से, इसको कैसे बनाओगे? सेम ऐसा ही, कैसे? सुनो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ या ना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपके पास एक माइनस वाला और होता बन जाता, दे दो एक माइनस वाला, लेकिन बदले में तुम्हें एक प्लस बी करना पड़ेगा, हाँ या ना, करना पड़ेगा, कर दिए ना। अब देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बना जो तुम चाहते थे, ऐसे होगा, और ये क्या बना तुम्हारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, हाँ या ना, और बचा के यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, गुड। उसके बाद ये वाला टर्म ऐसे रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो a माइनस बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना, ये ऐसा ही रहेगा क्या? हाँ ऐसे ही रहेगा, क्या करोगे इसको? तो हमको लगता है सॉल्वे नहीं करना था, तुम्हें यही छोड़ देना था, क्योंकि ये सॉल्वे नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काहे तोड़ोगे, ये ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, नहीं समझे है? बकलूल को बकलूल बड़ा छोटा से क्या मतलब है, जो है वही है होगा कि हम कर रहे हैं, ये बड़ा आंसर आ गया तुम्हारा, देख ये सवाल फिर से तुम बनाओ अपने हाथों से साक्षात, सॉल्यूशन आंसर आ जाने से क्या होगा, सॉल्यूशन सही हो जाएगा, छापने से नहीं होने वाला है कुछ बाबू, बनाओगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा गलत कहाँ पे है, प्रोसेस भले ही सही है, किया तुमने गलत है, छापा गलत है, हम तो समझते नहीं है, 4 साल से यही काम कर रहे हैं, अपने से बनाए हैं इसलिए तो गलत हुआ, तो फिर साथ साथ कैसे बनाए? कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करो, मामला उल्टा पुल्टा है, तुम ही बताओ। बहुत सारा बात गलत है, a प्लस बी, सुनो a प्लस बी इंटू मान लो a माइनस बी है, इसका ये मतलब होता है कि a प्लस बी माइनस या कुछ हो या हाँ इंटू a माइनस बी, क्या ये होता है?
यही होता है ना, नहीं होता ही। इसका क्या मतलब आप बताते हैं, ए प्लस ए बी माइनस बी, इसका ये मतलब होता है, इसका मतलब अलग होता है। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, कैसे समझोगे, छापने से ये सब बात समझ में थोड़े आता है। तुम अगर आग में खड़ा होके बोल दोगे कि हम नहीं छापे हैं, हम नहीं मानेंगे, हाँ नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये गलती सिर्फ छापने से होती है। अब भले ही तुमसे ना हुआ, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है, हो सकता है तुम्हारा हृदय एक्सेप्ट ये नहीं कर रहा हो, लेकिन हमारे पास तो यही एक्सपीरियंस है। देखो कुछ नहीं करना है, सुनो बाबू, ये चीजें तुम्हें, देखो वहां पे क्या स्टेप हुआ है वो बता रहे। इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो तुम इसे ओपन करो इस वाले तरीके से, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो कुछ सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सारे टर्म मल्टीप्लाइड है कि नहीं है, बोलो तो पहले बोलो, ये सारे टर्म मल्टीप्लाइड है कि नहीं है, बोलो, ये सब मल्टीप्लाइड में है, बीच में कहीं प्लस प्लस का साइन नहीं है, सब मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड वाले को ग्रुप कर सकते हैं क्या? एक बात जरा बताओ, अगर हम तुमसे ये पूछे, मार्कर साथ में तेरा, देखो चीजों को थोड़ा अपने तरीके से सोचो, अब सोचा भी करो, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह से नहीं, थोड़ा दिमाग खर्च किया करो। अगर हम तुमसे ये पूछे कि ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू बी क्यू का, हाँ, अगर हम तुमसे ये पूछे तो क्या बोलोगे, बोलोगे ना कि सर ए प्लस बी, सुनो सुनो, इनटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं बोलोगे, सॉरी कोई बात नहीं, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, या अगर यहां पे माइनस हो तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे माइनस है क्या, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तो प्लस करो। अब जरा देखो ध्यान से, ये वाला टर्म तुम्हारे पास है, गौर से देखो, है ये वाला टर्म है, तो ये तुम q वाला लिखोगे ना, तो अगर तुमने, सुनो सुनो बात को सुनो, अगर तुम इसको फिर से मिक्स करके, इन दोनों को कंबाइन करके, अगर आपने a 6 और b 6 लिख ही दिया, तो फिर तोड़ने का मतलब क्या रहा, फिर तो ये टूटेगा ही, नहीं समझे बात को, तो फिर ये इस तरह से कंबाइन, तो फिर रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, हमें तो बस खोलना है कंप्लीटली ना इसे, तो और फिर तो ये तोड़ के यहीं पहुंचेगा, नहीं समझे, इसीलिए कंप्लीट ओपन कर देना है, मिक्स नहीं करना है आपको, ओपन करना है, एक्सपेंड करना होता है, कंबाइन नहीं करना होगा, जितने फैक्टर हो सके हमें उतने फैक्टर तोड़ रहे चलते हैं, समझ पा रहे बात को, तो ये टूटेगा और ये नहीं टूटेगा, इसे तुम या एज इट इज छोड़ सकते हो, या ये जैसा था वैसा ही रहने दे सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये जैसा था वैसा ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये और एक्सपेंड नहीं होगा, तो ये तुम्हारा क्या था, ए फोर बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था ना, इसे यही छोड़ दो, कोई दिक्कत, ये रह गया और ये रह गया। अब लास्ट हम इस आंसर लिख रहे हैं, और आंसर तुम मैच करना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये ज्यादा हुआ, ज्यादा लिखा नहीं है, ये ज्यादा हुआ नहीं है, चार लाइन में बना है ये, अब मेरा लाइन थोड़ा बड़ा बड़ा है तो हम क्या करें, ये चार स्टेप में हुआ है, एक दो तीन चार, चार स्टेप में मात्र, लिख के दे, दिखा दे, चार स्टेप में हुआ है, एकदम चार स्टेप में हुआ है, कॉपी पे लिखना, चार लाइन में आएगा, अगर लाइन बड़ा बड़ा हो तो, तब देखो अब क्या आंसर लिख रहा है, फाइनली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुनो जरा इसे क्या लिखे, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, बोलो ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हुआ ए के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, बी के प्लेस पे ए बी है, ए बी, तो ए बी बोलो, और फिर इसे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोई दिक्कत, और फाइनली ए फोर प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आंसर मैच करो आया कि नहीं, एक्यूरेट आंसर है, आना ही, कहाँ पे सर, सॉरी, हाँ मतलब
नहीं समझे तब तोड़ते चलना है, तोड़ते चलना है, जब तब तक तोड़ते रहना जब तक टूटेगा। बोलोगे आगे सर और टूटेगा, नहीं तोड़ के देख लो, अब ये मिक्स होने लगेगा। अगर आगे तुम एक्सटेंड करोगे ना तो ये मिक्स होने लगेगा, रिवर्स चलेगा प्रोसेस, ठीक है। नहीं बोलोगे सर यहाँ पे एक प्लस ए बी कर दे और एक माइनस ए बी कर दे, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और फिर ए बी बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऐसे ही है, इसके बाद कुछ कर पाओगे क्या, इतना ही छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ पाए बात को, बस चलिए। बाप रे कौन सा सवाल था, 29 सवाल को फिर से बनाना, और जिस तरीके से बनाए तरीका सब एक ही है, उसी तरीके से फिर से बनाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पे है, हम दिखा दे कहाँ है, हम दिखा दे, लो कॉपी गंदा तुम्हारा होगा हमें क्या। देखो इन्होंने क्या लिखा है, तुम लोग भी देख लो, और ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चों से होता है। देखो इन्होंने किया है ए सिक्स किसको, इसको ए पे पावर 12 माइनस बी पे पावर 12 इक्वल टू ए सिक्स का स्क्वायर किया है, और ए सिक्स का स्क्वायर किया, यहां तक सही है, हाँ स्क्वायर किया और से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया है, नहीं ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ठीक है ए प्लस बी, ए सिक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद का स्टेप इन्होंने जो लिखा है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, इसके बाद जो लिखा है इन्होंने इसी का कॉपी कर रहे हैं, ए थ्री प्लस बी स्क्वायर का 3, देखना जरा तुम लोग बताना कि क्या मिस्टेक हुआ है, इसके बाद तो सॉल्यूशन हम देखेंगे ही नहीं, पकड़ में पता चला नहीं, पता चला ये है और ये है, और ये मिस्टेक सिर्फ छापने से आता है, हम बोले तो तुम मान ही नहीं रहे, नहीं मानोगे। और इसके बाद तुमने सॉल्व किया, इसके बाद अगर तुम सॉल्व करोगे, सुनो इसके बाद अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसके अकॉर्डिंग करोगे ना, हाँ या ना, नहीं किया है तुमने इसके अकॉर्डिंग, इसका क्या मतलब हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ है। सुनो अगर कोई भी बच्चा होगा, सुनो अरे सुनो सुनो सुन तो लो, अभी हम तुम्हें प्रूफ कर देते ये छापा गया नहीं छापा गया, और तुम्हारा हृदय कहता होगा हम छापे हैं, तुम एक्सेप्ट करोगे आज ना कल, कभी ना कभी करोगे, आज कर लो तो बढ़िया है। देखो अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा तुम ही बोलो, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, करना ही चाहिए, बी पे पावर ये दोनों मल्टीप्लाइड ही रहा, कैसे सॉल्व करोगे, बी स्क्वायर मतलब 6, बी 6 और ए 6 हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा ए 6 और माइनस बी 6, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ये आएगा रिजल्ट। अगर तुमने अपने से किया होता तो तुम्हारा अगला स्टेप का रिजल्ट ये होता, कुछ और था कैसे भाई, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन को करते हैं कि किसको करते हैं, ये तो मल्टी पहले इसको करोगे ना, अलग है कहाँ, अलग तुमने रखा नहीं ना, गलती तो वही कि तुमने अलग रखा नहीं, मर्ज किया, मिस्टेक तो तुम्हारा यहाँ पे था, इसके बाद अगला स्टेप तुम्हारा ये नहीं है, इसका मतलब छापा है, नहीं मानोगे, हम प्रूफ कर दे कि तुम छापे हो, बोलो कर दे, बोलो अभी तुम अपने मुंह से बोलोगे, बोलो कर दे, तो टाइम कम लगेगा, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, पकड़ में आ जाएगा तो टाइम कम लगेगा, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 में क्या है सर, ये भी उसी तरह का कुछ मिलता जुलता सवाल है, देखो किसका सवाल है 34, एक्स प्लस वाई का किसका है, साक्षी का, एक्स माइनस वाई का क्यूब। देखो यहां पे एक काम करते हैं हम लोग, होल क्यूब लिख दे क्या, टूटा पूरा पूरा टूट जाएगा, इसे लिख देते हैं 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x माइनस वाई का होल क्यूब। एक बार सब लोग जिसके पास पहले से कॉपी में बना हुआ है उसको अपने मन से एक बार कॉपी बना लीजिए, क्योंकि पुराना हो सकता है गलत हो, या चेक कर लीजिए, ऐसा गलती हुआ क्या, सही है। अब क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट सेट करिए, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए के प्लेस पे क्या है 2x प्लस वाई माइनस बी के प्लेस पे 3x माइनस वाई, ए माइनस बी और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, हाँ ए स्क्वायर, तो 2x प्लस वाई
का होल स्क्वायर होगा, समझना बाबू, है ना। उसके बाद ए स्क्वायर एक्स वाई, एक्स वाई मतलब हो गया आपका 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, है ना। और फिर प्लस क्या होता था, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे हमसे करवाओगे क्या? यहां तक तो सर हम लोग भी कर लेते, आगे करिए ना। अच्छा चलो सॉल्व करो, 2x माइनस सॉरी प्लस 2y माइनस 3x प्लस 3y, ठीक है। देखो यहां पे इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसे ओपन करेंगे ना, ओपन करेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर सीधा तोड़ दें क्या, यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दें, 4 इंटू में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बोलिए। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कैसे पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेरी गुड। और क्या बचा रह गया इसमें, लास्ट वाला टर्म, इसे भी ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी 2xy, बोलिए कोई दिक्कत, आगे कर लेंगे क्या, एक दो सवाल और बचा हुआ कर देते हैं। आगे सिंप्लीफाई कर दोगे 4, अब फिर जो कट्टो कट्टो होगा प्लस माइनस होगा अरेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा क्यों, इस क्योंकि इसके बाद अब एक्सपेंड हमको लगता है होगा, अगर होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा हमको लगता है, होगा क्या, नहीं होगा, कर लेंगे ना, कुछ कुछ कटेगा, कर लेंगे ना। चलिए 37 देखो, 37 कौन पूछा, 37 कौन पूछा, ए क्यूब बी क्यूब पे बेस्ड है, तब देखो तो जरा 37 30 ए क्यूब बी क्यूब वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, देखो सर कोई बात नहीं, देखो 37 क्या है मार्कर सबका इंक के सब गड़बड़ा गया, देखो तो देखो ये 0.85 एक दो तीन बार है जिसका क्यूब लिख दें, फिर प्लस है और 0.15 भी 3 टाइम्स है तो क्यूब लिख दें, बाय देखो तो बाय 0.85 एक दो बार है तो 0.85 का स्क्वायर लिख दें, और माइनस देखो ए बी है तो 0.85 सुनो 85 इंटू 0.15 ये ए बी प्लस 0.15 दो बार है, जरा तुम ध्यान से देखो ये क्या है, ये देखो फॉर्मूला जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, वेरी गुड। अब बताओ ए क्यूब बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, समझो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, बोलो तो क्या इसे एक्सपेंड करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ 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 लिखिए, क्या लिखेंगे, 0.85 प्लस 0.15 इनटू समझो 0.85 का स्क्वायर, बोलो माइनस 0.85 इनटू 0.15 और प्लस 0.15 का स्क्वायर। अब देखो नीचे में क्या यही टर्म है, इनटू में है ना, बोलो यही टर्म है, सेम 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 कि नहीं, कट गया बचा क्या आपका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 0.85 प्लस 0.15 आंसर हो गया 550 8 1 9 1 10 और हो गया तुम्हारा आंसर 1, नहीं समझे, नीचे वाला भी ऐसा ही कर लोगे, बोलो कर लोगे, बोलिए और कोई डाउट तो बोलो, और कोई डाउट किसी को तो बोलिए।